दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली रदाड़ा। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्राइस प्राइस। इस वक्त हम इधर एनएस मोटर पर मौजूद हैं। यहां पर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत गाड़ियां सेल होने के लिए आई हुई हैं। तो आज आपको दिखाते हैं इधर कौन कौन सी गाड़ियां हैं और क्या क्या डिमांड है। तो सबसे पहले हमारे पास इधर ये एक मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी टोयोटा करोला GLI 2016 मॉडल। ये आपकी गाड़ी है सर, सेल होने के लिए आई हुई है वाइट कलर में। आपको पता है हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो वाइट कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं बनस्बत दूसरे कलरों के। बाकी गाड़ी की आप लुक चेक करें, बॉडी की कंडीशन चेक कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन इसकी बॉडी है। माइनर से स्क्रैचेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। टायर्स की कंडीशन 70-80 है। अलॉय व्हील नहीं, जो सिंपल व्हील कैप्स हैं। ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है। टू टोन में इसका डैशबोर्ड है। स्टैंडर्ड साइज कंट्रोल पैनल इंस्टॉल है। उसके ऊपर ही आपको हेडलाइट का बटन देखने को मिल जाएगा। फोर विंडो पावर है। कंसोल पे आपको दो कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे। और डिमांड जो इस गाड़ी की इधर की जा रही है वो 35 लाख रुपये है। बाकी आप इसकी फ्रंट से लुक चेक कर सकते हैं, ये ग्रिल चेक करें, लाइट्स चेक करें, किसी किस्म की कोई लाइट्स वगैरह ब्रेक नहीं है, ना कोई एक्सीडेंटल है। तो अब हमारे पास इधर ये एक और टोयोटा करोला GL आई हुई है सेल होने के लिए। 2017 का मॉडल है। बाकी फ्रंट से आप इस गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको इसकी ये क्रोम चेक करवा सके। इधर बम्पर पर आपको स्क्रैचेस और ये ब्रेक देखने को मिलेगी, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है कि बंदा इन्हें अफोर्ड ना कर सके। इधर ही आप इन्हें चेंज करवा सकते हैं। बाकी इंटीरियर वाइज भी आप गाड़ी की लुक चेक कर सकते हैं। डोर्स की सीलें चेक करें, किसी किस्म की कोई सील वगैरह डिस्टर्ब नहीं है। ये नीचे से चेक करें, यहाँ पर आपको अक्सर फेड वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन जिन भाइयों ने टिपिंग वगैरह या केयर की होती है उनकी गाड़ी फेड से बच जाती है। डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी कंडीशन में है। फैब्रिक्स में इसकी पुशीज हैं। फैब्रिक्स में आपको पता है बंदा ज़रा कंफर्टेबल फील करता है बनस्बत लेदर के। ऑटो ट्रांसमिशन के साथ है। फोर विंडो पावर है। डोर लाइट इसके बॉडी कलर में नहीं, क्रोम में है। टायर इसके बेहतर कंडीशन में है। ये नहीं है कि आपको परचेज करने के फौरन बाद टायर वगैरह के ऊपर कोई खर्चा करना पड़े। अलॉय व्हील भी मौजूद हैं, जो कि सिल्वर और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ हैं। बाकी बैक से आप इस गाड़ी का ओवरव्यू जो था वो चेक कर सकते हैं। इस्लामाबाद का नंबर है, नंबर इसका 3 डिजिट पर मुश्तमिल है। और बैक कैमरा इंस्टॉल है और लाइट्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। बाकी बैक की स्क्रीन पर आपको ये डिफोकर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो अब हमारे पास इधर ये एक मेहरान VXR आई हुई है सेल होने के लिए। लाहौर का नंबर है। बाकी गाड़ी की आप लुक चेक करें या आप साइड प्रोफाइल गाड़ी की चेक कर सकते हैं। टायर की कंडीशन चेक करें, अलॉय व्हील भी मौजूद हैं, आफ्टर मार्केट लगवाए गए हैं। इंटीरियर चेक करें, डैशबोर्ड साफ सुथरा है इसका। ब्लैक लेदर कुशीज हैं, उसके ऊपर आपको वाइट कलर में स्टिचिंग देखने को मिल जाएगी। मैनुअल ट्रांसमिशन में है। रूम इसका बहुत ही आउट क्लास है। और इस वक्त जो ये गाड़ी है इधर NS मोटर पर सेल होने के लिए आई हुई है। 2017 का मॉडल, लाहौर का नंबर, नंबर 4 डिजिट पर मुश्तमिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है अपना? तो सर गुजरांवाला के हैं। तो कौन सी गाड़ी लेकर आए हैं? मेहरान। तो एसी वगैरह चालू है? हाँ जी। और बॉडी वर्क कितनी जानवान है? सारी टोटल जानवान है। तो फर्स्ट आनर है, सेकंड आनर है? सेकंड। बायोमेट्रिक वगैरह मौके पर अवेलेबल होगी? और डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? 13.5। 13.5। तो मार्केट में कोई बंदा रेट वगैरह लगा गया आपकी गाड़ी का? नहीं, मगर जान तो सही है, तब बोली लगेगी फिर रेट सही। लेकिन आपका डर फंड माइंड कहाँ तक है कि यार कोई इस प्राइस का राउंड बंदा आएगा तो गाड़ी सेल करनी है, इससे नीचे नहीं सेल करनी है? तकरीबन यही है, तकरीबन फाना रेट लगाया हुआ है, हल्की बुल्की कमी पेशी होगी तो ज़्यादा नहीं। ठीक, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर करते हैं। 0301 जी 84-86-192। बहुत शुक्रिया जी। दिन आदमी इधर हमारे पास और भी मेहरान एक आई हुई है सेल होने के लिए। काफ़ी भाई कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कि हमें छोटी गाड़ियाँ दिखाएँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। लेकिन व्यूज़ जो उनसे वो ज़्यादा है, ये जैसे ये GLI लेटेस्ट मॉडल उनको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन कमेंट नीचे मेहरान, जैपनीज, कल्टस इन गाड़ियों का कह रहे होते हैं कि हमें ये गाड़ियाँ दिखाई जाएं, क्योंकि हमारा जो सा बजट है वो इन प्राइस के अराउंड बाउंड है। बाकी गाड़ी की लुक चेक करें, ये भी VXR है, लेकिन वो 17 मॉडल थी, ये 18 मॉडल है। लाहौर नंबर है। लाइट्स वगैरह चेक करें, अलॉय व्हील भी मौजूद है, जो कि बड़े ही प्यारे स्टार शेप में है। टायर बेहतर कंडीशन में है। 17 का मॉडल है और 18 की इस गाड़ी को रजिस्ट्रेशन है। और डिमांड जो इस गाड़ी की इधर की जा रही है वो 11,50,000 रुपया है। इसका अगर मेरा कैमरामैन डैशबोर्ड आपको चेक करवा सके
वहाँ पर आपको फेड ज़रा देखने को मिलेगी, लेकिन जो कि आपको हमने इससे पहले मेहरान दिखाई है उसमें नहीं थी, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन, गाड़ी की प्राइस पे अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो लोग सिर्फ कह रहे हैं कि यार ये मॉडल ऊपर है, इसकी प्राइस ऊपर होनी चाहिए, ये मॉडल नीचे है। लेकिन गुजरांवाला मार्केट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर गाड़ी की लुक को, कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो से वो रेट लगाए गए जा रहे होते हैं। तब हमारे पास इधर ये एक कल्टस आई हुई है सेल होने के लिए, यूरो 2 इंजन है, लाहौर नंबर है, अलॉय व्हील मौजूद हैं, टायर की आप कंडीशन चेक कर सकते हैं। 13 का मॉडल, 14 की रजिस्ट्रेशन और 13,80,000 रुपया डिमांड है। बाकी इंटीरियर आपको चेक करवाते हैं। गाड़ी लुक वाइज बहुत ही प्यारी और अच्छी कंडीशन में है। इंटीरियर देखें, हाँ माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, क्योंकि जो सी गाड़ी होती है वो अपना आप खुद बता रही होती है कि मैं कैसी हूँ। बाकी जब भी परचेज करने के लिए आएँ तो अपने साथ मैकेनिक को लाजमी लेकर आएँ, ताकि वो आपको बता सके कि गाड़ी में क्या क्या खामी है। तो अब हमारे पास इधर ये एक स्विफ्ट आई हुई है सेल होने के लिए, 2013 का मॉडल है, लाहौर रजिस्टर है, ब्लू कलर में है। बाकी गाड़ी की लुक आप चेक करें, बाकी साइड से प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। डोर लाइट इसके बॉडी कलर में नहीं है, क्रोम में है। डैशबोर्ड नीट एंड क्लीन है, स्टैंडर्ड साइज का एंड्रॉयड पैनल इंस्टॉल है, ब्राउन और ब्लैक के कम्बिनेशन के साथ इसकी लेदर में पुशीज हैं। 1300 cc इसका इंजन है, DLX है, टॉप ऑफ द लाइन है। और इस वक्त ये जो उनकी गाड़ी है इधर NS मोटर पर सेल होने के लिए आई हुई है। तो ये सभी गाड़ियाँ जो थी ये मोटर वालों की दाती नहीं होती, ये इन्वेस्टर और जो से लोकल या कोई दूर दराज के शहरों से आए होते हैं उनकी गाड़ियाँ होती हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 वीक हो गए हैं ये गाड़ी इधर मौजूद है, लेकिन अभी तक ये इधर सोल्ड आउट नहीं हो सकी। लेकिन आजकल लोगों का ज़्यादा रुझान 660 cc और जैपनीज की तरफ ही है। तो अब हमारे पास इधर ये एक आल्टो आई हुई है सेल होने के लिए, 2009 का मॉडल है, 10 की रजिस्ट्रेशन है। बाकी गाड़ी की लुक चेक करें आप पहले। इंटीरियर इसका बहुत ही नीट है, जिस हिसाब से मॉडल है, ज़ाहिर है बॉडी में आपको पीस की टचिंग देखने को मिलेगी। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको ये चेक करवा सके, यहाँ से ये जंग लूज दस्त आ गई हुई है। और डिमांड 9.5 लाख रुपया की जा रही है 9 मॉडल की। ये तकरीबन आल्टो जोन सा मॉडल है, उतने लाख रुपया ही उसकी तकरीबन डिमांड की जा रही होती है, लेकिन बाद में उस प्राइस में से भी कमी बेशी हो जाती है। तो अब हमारे पास इधर ये एक होंडा सिटी आई हुई है, जिसे चूहा शेप के नाम से भी जाना जाता है। तो आल पंजाब का नंबर है, बैक कैमरा इंस्टॉल है, लाइट्स ओके हैं, मुझे नहीं पता। बाकी इंटीरियर आप गाड़ी की चेक करें, डैशबोर्ड की कंडीशन चेक करें। अक्सर लोगों ने इस गाड़ी का जो सा इंजन है वो चेंज करवाया होता है। गाड़ी एवरेज बहुत ही शानदार देती है, 7.5 का अंडर पर इंस्टॉल है। नीचे से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से पेंटेड है गाड़ी। ये अगर यहाँ से ये मेरा कैमरामैन आपको चेक करवा सके, आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील इंस्टॉल करवाए गए हैं। बाकी आप इसके इंजन रूम की कंडीशन चेक करें। तो अब हमारे पास इधर ये एक मित्सुबिशी इके कस्टम आई हुई है सेल होने के लिए, लाहौर का नंबर है, बहुत ही प्यारी शेप में है। इसकी आप इसकी लाइट्स चेक करें, यहाँ पर बम्पर पर आपको स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे। जैपनीज गाड़ी ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है जो कि आपको जेन्युइन देखने को मिलेगी, एक आर पीस की एटलीस्ट उसमें आपको टचिंग देखने को मिलेगी ही। स्मार्ट की एंट्री के साथ है, 1,35,000 जोन सी ये गाड़ी चली हुई है। तो आपके साथ मोटर वालों का जो सा नंबर है वो शेयर कर दिया जाएगा, NS मोटर का जो सा एड्रेस है। जैसे ही आप पिंडी बाईपास का पुल उतर कर गखड़ की जानी आते हैं तो राह वाली कैंट के बिल्कुल साथ आपको ये NS मोटर देखने को मिल जाएगा। तो आपके साथ नंबर शेयर किया जाएगा, आप रहा करके फर्दर डिटेलिंग से ले सकते हैं। तो आप हमें इजाज़त नहीं, मिलते हैं आप साथ अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।